हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व से पहले शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आपको पढ़ा चुका। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। उन्होंने ये बताया कि जो इनवर्स रिलेशन होता है शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, वो लॉन्ग रन में फेल हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको कि इसके पहले कि दो या तीन वीडियो जिसमें हम फिलिप्स कर्व, डेरिवेशन ऑफ फिलिप्स कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड ऑफ फिलिप्स कर्व पढ़ाए हैं, वहां तक आप देख लेना। इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज पिछली होनी चाहिए, जिसमें हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी पढ़ाए हैं और वेज रिजिडिटी पढ़ाए हैं, उसको सब देख लेना क्योंकि सारे इंटरलिंक है फ्रेंड्स। चलिए हम बात करते हैं मॉडर्न फिलिप्स कर्व की। जो मॉडर्न फिलिप्स कर्व पर है, हमने एक वर्ड रखा बेटा जी, एक्सपेक्टेशन, आर्गुमेंटेड फिलिप्स कर्व फ्रीडमैन। बहुत सिंपल तरीके से समझना, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये बात करता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको बताया था होती क्या है। हमने ये बताया था कि कुछ लोग जॉब को छोड़ते हैं, सेपरेशन होता है, और कुछ लोग जॉब को फाइंडिंग होते हैं। तो जॉब सेपरेशन अपॉन जॉब फाइंडिंग को जब रिलेशन को निकालते थे, तो हमने निकाला था फ्रेंड कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन दोनों को मिला के हम लेबर फोर्स बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ाया था कि लेबर एम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो लेबर फोर्स में से हम अनएम्प्लॉयमेंट को माइनस कर देते थे। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये किस पर डिपेंड करेगा, एस अपान यस प्लस एफ पे। एफ क्या था, जॉब फाइंडिंग वाले हैं। यस क्या था, जॉब सेपरेशन वाले हैं। यानी कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस पर डिपेंड करता है, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जॉब फाइंडिंग और जॉब सेपरेशन पे। लेकिन मार्केट में एम्प्लॉयमेंट और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो ये होता है। फिर इसी में हमने आपको पढ़ाया था कि फिलिप्स कर्व, फ्रेंड्स फिलिप्स कर्व में पढ़ाया था, जो कि सिंपल फिलिप्स कर्व ये कहता है कि जो ये वेज रेट है, यानी कि वेज रेट कितना बढ़ेगा, हमने आपको बताया था इस तरह से फ्रेंड, याद रखना, थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ नॉलेज देना चाहता हूँ। हमने यहाँ ये लिया था कि प्राइस कितना चेंज होगा, तो इधर वेज रेट भी चेंज होंगे। और फिर हमने बताया था फिलिप्स कर्व कि जैसे जैसे, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बताया था फ्रेंड, कि जैसे जैसे वेज प्राइसेस मार्केट में बढ़ेंगे, तो वेज रेट भी बढ़ेगा। जब वेज रेट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा। ये हम पढ़ाए थे। फिर हमने फाइनली ये प्रूव किया था कि प्राइस में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से वेजेस बढ़ेंगे, और वेजेस बढ़ने से क्या होता है कि लोग ज़्यादा जॉब पे आएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। यानी कि मार्केट में जब बूमी सिचुएशन आएगी तो ये होगा। लेकिन ये जो इनवर्स रिलेशन है, इसको मिल्टन फ्रीडमैन ने फेल किया। क्यों किया, हम आपको बताते हैं। वो ये कहता है कि मॉडर्न वर्जन्स ऑफ फिलिप्स कर्व, ये शॉर्ट वर्जन था, ये पहले का वर्जन था जिसे हम, ये इनवर्स दिखाता है फ्रेंड्स, ये क्या है, इनवर्स रिलेशन दिखाएगा। लेकिन मॉडर्न वर्जन जो फिलिप्स कर्व का है, इसने दो चीज़ें ऐड किया। बोला कि एक्सपेक्टेड आर्गुमेंटेड फिलिप्स कर्व, इसको इन्होंने एक्सपेक्टेड बना दिया। एक्सपेक्टेड बनाने में क्या किया कि ये जो हमारा फिलिप्स कर्व था, इसमें इन्होंने क्या किया, दो चीज़ें ऐड किया। अब देखो फ्रेंड, ये इन्फ्लेशन है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और हमने अगर हम इसे बोलते हैं और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो इसको हमने एक्सपेक्टेड मानते हैं,
और इसको हम एक्चुअल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन में कितना ग्रोथ हो रही है इसको इन दोनों का डिफरेंस बोलेंगे, कितना महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कहना ये चाहता है कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है एक्सपेक्टेड माइनस जो ये है, ये क्या है बेटा जी, ये है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है आपको बताए थे, आपको बताया था मैंने कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ठीक है डाउन हो रहा है, तो हमने एक लेवल निकाला था, तो ये बताया था कि ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि स्टेबल होती है, मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है कि 2.5 है जो भी है, तो यानी कि ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जॉब की डिमांड्स अप डाउन होती है, लेबर की सप्लाई अप डाउन होगी ठीक है, लेकिन नेचुरल रेट जो है एक कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हमने इसको कांस्टेंट मान लिया फ्रेंड्स, ओके। तो यू क्या है जो एक्चुअल इम्प्लाई है, ये क्या है नेचुरल रेट है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हम दिखाते हैं कि वेज रेट कितना ग्रोथ होगा। तो बेसिकली हम दूसरे तरीके से लिखते हैं कि जो ये जो इक्वेशंस है जो कि पाई, इस इक्वेशन टू बना दिया, इसको हमने इक्वेशन वन माना। अब क्या किया, हम दोनों इक्वेशंस को एक में रखते हैं फ्रेंड, तो क्या निकलेगा हमारा कि जो वेज रेट का जो ग्रोथ है, यानी कि वेज रेट का ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मजदूरी मिलती है लेबर को, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे और उतनी मजदूरी बढ़वाएंगे। तो ये कहता है कि कितनी मजदूरी बढ़वाएंगे ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन आने वाला है, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना है इस बात को ध्यान रखना है। तो वो कहता है कि अगर वो मजदूरी उतना बढ़वाने में सक्सेस हो जाते हैं जितना मार्केट में इन्फ्लेशन है, अब ये दो चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उनके पास इन्फॉर्मेशन कितना है। तो फ्रेंड इस थ्योरी को हम बाद में पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे कि एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन अप्रोच और रेशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच। रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी और एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी हम बाद में करेंगे, इसी का पार्ट है। लेकिन अब फाइनली हम ये कहना चाहते हैं फ्रेंड कि ये जो इक्वेशन ये शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड नॉट ओनली द इन्फ्लेशन, सिर्फ वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि बट आल्सो द एक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि इन्फ्लेशन ओवर इन्फ्लेशन कितना होगा, इन फ्यूचर में कितना इन्फ्लेशन इंक्रीज डिक्रीज होगा उस पर भी डिपेंड करता उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ेगा या घटेगा, इन फ्यूचर में लगता है कि महंगाई बढ़ेगी इन फ्यूचर में तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। क्यों, देखो हमारा कहना है एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन ये कहता है, थोड़ा समझ लीजिए कि आप मार्केट में एक्सपेक्टेशन लास्ट ईयर से या पिछले दो सालों से 4 सालों से जो मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेव चेंज करते हैं। ठीक है, मजदूरों ने मजदूरी बढ़वाने की मांग करेंगे, क्यों, जब लगेगा कि मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उनकी मनी की वैल्यू, उनकी वेज रेट कम हो जा रही है, तो रियल वेज उनकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको बताए थे कि डब्ल्यू अपॉन पे रियल वेज होता है। तो जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनका रियल वेज क्या होता है फ्रेंड, कम हो जाता है। तो रियल वेज कम होने का किस पर डिपेंड करता है रियल वेज, उनका उनका रियल वेज डिपेंड करता है मार्केट में इन्फ्लेशन पे, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो वेज रेट ज़्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगी तो कम बढ़ेगा। तो यानी कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व ने इस चीज़ को कांस्टेंट मान लिया था, उन्होंने मान लिया था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और एक्चुअल इन्फ्लेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिलिप्स कर्व ने इस चीज़ को चेंज किया, बस इतना आपको प्रूव करना है। अब देखिए हमने इस लिख दिया, ये कहता है एक्सपेक्टेड एग्रीगेट फिलिप्स कर्व हो गया, एक्सपेक्टेड आर्गुमेंटेड फिलिप्स कर्व, ये जो आपका इक्वेशंस बना इस इक्वेशंस को आप बोलेंगे एक्सपेक्टेड आर्गुमेंटल फिलिप्स कर्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कुछ नहीं करना है आपको,
जूम कीजिए थोड़ी देर के लिए कि रियल वेज जो है, रियल वेज कितनी बढ़ी, जितना मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ उतनी रियल वेज बढ़ गई, क्या हो गई, उतना ही रियल वेज हो गई। ठीक है, तो अगर हम अभी इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, हमने क्या किया है, इक्वेशन 4 और 3 को एक साथ रख के हमने देखा कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला फ्रेंड्स कि हम थोड़ा सा और समझाना चाहते हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आउटपुट फॉल होगा, आउटपुट फॉल एम्प्लॉयमेंट मतलब आउटपुट पर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है साथ ऐसा समझ लीजिए बेटा जी कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये वाई होता है जो कि कांस्टेंट है मान चलो, और ये फ्रेंड आपका होता है एग्रीगेट डिमांड, हालांकि आपको ठीक है। तो ये कहता है कि मार्केट में प्राइसेस बढ़े इतना है, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो प्राइसेस क्या होंगे आपके, बढ़ जाएंगे नो डाउट, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यानी कि ये तो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट फ्रेंड, ठीक है ओके। तो ये कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो जो जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा कब होगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेशंस इक्वल होगी। इसका मतलब था कि जो फ्यूचर में सोचा था वही उतना ही एक्सपेक्टेशन है तो इक्वल होगा, कहने का मतलब है। इसी को हम यहाँ लिखते हैं बेटा जी कि यहाँ इस पॉइंट पर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल्स इनकम इक्वल हो रही है, जो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि हम दिखाते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ये है, ठीक है। अच्छा अभी वहाँ बाद में जाते हैं, आपको फिर बताते हैं कि ये डिपेंड करेगा लेस देन, अगर अगर फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड ग्रेटर देन इन्फ्लेशन होगा, एक्चुअल इन्फ्लेशन से ज़्यादा आ गई, बात समझो ऐसा समझो, एक्चुअल इन्फ्लेशन से ज़्यादा आने का मतलब है कि आपने सोचा था महंगाई इतना बढ़ेगी, महंगाई उतना नहीं बढ़ी, कम आ गई, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट फॉल इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है वो कम है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा फाइनली कंक्लूजन हमारा इस इक्वेशंस का निकला कि मॉडर्न फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है फ्रेंड, ये डिपेंड कर रहा है लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट पे, ओके, और एक्सेस ऑफ वेज ओवर इन्फ्लेशन, ओवर एक्सपेक्टेड, यानी कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन होगा और लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट पे, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये कहता है कि जो वेज रेट कितना ग्रोथ होगा, इन दोनों का डिफरेंस पे डिपेंड कर देगा कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन हुआ है और कितना वेज रेट हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल वे था, मेरा कंक्लूजन ये था फ्रेंड कि जो फिलिप्स कर्व है शॉर्ट टर्म तो सिर्फ इसको कांस्टेंट मानता है, लेकिन लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व बोलता है कि जो फिलिप्स कर्व है वो चेंज हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मिला के लॉन्ग रन मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में एक पॉइंट पर फिलिप्स कर्व कुछ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में कुछ जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फिलिप्स कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो बताता हूँ, ये कहता है कि क्या प्रॉपर्टीज है आप इन्फ्लेशन की, संभव समझिए। तो प्रॉपर्टीज में पहली बात ये निकला कि शॉर्ट टर्म में इन्वर्स रिलेशन होता है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं आपका। दूसरा मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व व्हेन कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स होगा, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये जो है बेस कितना होगा यहाँ पर वो डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर डब्ल्यू पॉइंट पी भी ले सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू पॉइंट डब्ल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने परसेंट महंगाई बढ़ी, मान लो 2% इन्फ्लेशन हो गई, तो 2% मार्केट में वेज रेट भी इंक्रीज हो गया, लेकिन इस 2% पे यहाँ पर जो है नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये रहा, ये फिक्स है, यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट ही है। नेचुरल का मतलब होता है कि अप्स डाउन हो रहा है, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ही है, ठीक है। अच्छा कहता है कि
ये क्लियर होगा पॉइंट। दूसरा कहते हैं बेटा जी कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म, यानी कि ये फ्लिप्स कर ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखो मार्केट में सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस कितना बढ़ा इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन बेटा जी। और इन्फ्लेशन अगर मान के वो 7% बढ़ गया तो फिलिप्स कर हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये 7% पे आ गया। तो ये फिलिप्स कर हो गया, पहला फिलिप्स कर मान के चलो हमारा ये था, अभी ये हो गया फिलिप्स कर, दूसरा फिलिप्स कर हो गया। यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा फिलिप्स कर ऊपर की तरफ हायर होता जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट शॉर्ट रन है। अगेन हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे तो शॉर्ट रन पे यहाँ जाएगा, तो फिर शॉर्ट रन फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। हमने और बढ़ा सकते हैं क्लाइंट्स, तो ये दिखाएगा कि मान चलो ये 10% हो गया, तो ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर हो गया। लेकिन हम जब नेचुरल रेट को बात करेंगे, जैसे हमने उसमें बताया था फ्रेंड कि शॉर्ट रन में यू कह सकते हैं कि हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था तो बताया था ये शॉर्ट रन है, अप्स हो रहा है डाउन हो रहा है, अप्स हो रहा है डाउन हो रहा है। लेकिन ये क्या था, ये था बेटा जी एम्प्लॉयमेंट रेट, और ये था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यानी कि ये तो पैरेलल है, फिक्स है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारा जो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व बनेगा ये बेटा जी वर्टिकल हो जाएगा। शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन, लेकिन लॉन्ग रन में ये रिलेशन नहीं शो होता। लॉन्ग रन में ये कांस्टेंट होता है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ने से सिर्फ वेजेस बढ़ेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगा उतना ही फ्लिप्स कर्व ऊपर जाएगा। और फिर हम जब पहले प्रीवियस पॉइंट से जब काउंट करेंगे तो हमारा जो है लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व बन जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा। तो वर्टिकल केस में जो इनवर्स रिलेशन होता है ये प्रूव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चाहे घटे और चाहे बढ़े, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो फिलिप्स कर्व ने कहा कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ एक बात पे नहीं डिपेंड करता, इन्फ्लेशन पे, वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस थ्योरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज भी रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस रिलेटेड द फिलिप्स कर्व। ओके, थैंक यू।